काम निकल गया, तरीन ग्रुप ना अहली के बाद नाकारा हो गया। पंजाब में नए गवर्नर की तकरीब अल्फरदारी में तरीन ग्रुप को मदऊ नहीं किया गया। ज़राए का बताना है कि नून लीग और तरीन ग्रुप के दरमियान ज़िमनी इंतखाब में टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नए गवर्नर बलीगुर रहमान से हल्फ लिया, पंजाब काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। इमरान खान ने हमजा शहबाज को नया नाम दे दिया, कहते हैं जब से हमजा कुकड़ी आया है मुर्गी महंगी हो गई है। इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में जो हो रहा है वो गैर आइनी है। हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाने की कोशिश की जा रही है। जो अक्सरियत खो बैठा है लोग इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं। हमजा शहबाज को हटाया जाए, ना अहल किया जाए, शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मार्च के लिए तहफ्फुज़ ना दिया तो अपनी हिकमत अमली बनाएंगे और तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। इमरान खान का वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा 25 मई को बगैर तैयारी के गए थे, अब रुकावटें हटाने की तैयारी करके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि रास्ते खुल गए हैं जिसकी वजह से हम बगैर तैयारी के फंस गए थे। वकला से मुखातिब होकर कहा, आज आपने अगर स्टैंड ना लिया तो आपके बच्चे आपको माफ़ नहीं करेंगे। क्या पुलिस वालों से निमटने के लिए पहले हमें भी अस्करी विंग बनाना होंगे? फवाद चौधरी का सवाल, बोले अगर लोगों के गले घोंटने हैं तो फिर इनकलाब के लिए तैयार हैं। पंजाब पुलिस ने खातिन की तजलील की, बेडरूम तक पहुंच गई, लेकिन 25 मई को अदालतें नहीं खुली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि मार्च पर तशद्दुद करने वालों से अगली बार पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। कारकुनों के कत्ल का मुकदमा राणा सनाउला के खिलाफ दर्ज कराएंगे। पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सेनेट के इजलास में शदीद एहतजाज। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, हमारी माओं बहनों के घरों में पुलिस दाखिल हुई, हुकूमत ने गुंडागर्दी की। जवाब में आजम तारर ने कहा कि अगर कानून तोड़ा जाएगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। पीटीआई के सेनेटर्स ने ऐवान से वॉकआउट कर लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत अमरीका और इसराइल की खुशनूदी पर लगी है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वाज़े लिखा है कि आप इस पासपोर्ट पर इसराइल का दौरा नहीं कर सकते। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ डॉक्टर शहजाद वसीम का बयान। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि जो भी इसराइल गए हैं उनकी शहरियत खत्म की जाए, इसराइल के दौरे पर ऐवान को एतमाद में लिया जाए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस, एफआईए अफसरान शदीद दबाव का शिकार। डीजी सनाउल्ला अब्बासी ने कार्रवाई से रोक दिया। साबिक प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुलकरनैन ने पोल खोल दिया, बताया कि 10 अप्रैल को ही पैगाम दे दिया गया था। हमजा शहबाज वजीर आला और शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने वाले हैं और आप उनके खिलाफ केस में पेश ना हों। डॉक्टर रिजवान पर केस का बहुत दबाव था, वो बर्दाश्त न कर सके। हुकूमत ने पेट्रोल के बाद बिजली बम गिराने की तैयारी पकड़ ली। आईएमएफ से बगैर किसी मुजाहमत के बिजली टैरिफ में 7 रुपये फी यूनिट बढ़ाने का हुक्म मान लिया। इतलाक 1 जुलाई से मुल्क भर में हो जाएगा। 16 रुपये का यूनिट 24 रुपये तक पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।